रोसब क्या हाल है? शुक्र ठीक ठाक है। सदर है अंजुमन ताजरान के, मार्केट के यहाँ जितनी भी मार्केट है उसके सदर है। हमें हमेशा ये गिला रहता है आप लोगों से, आप जैसे फ्रांस में, सीधी बात करूंगा आपके मुंह पे, कि जब आपके सर पे आती है ना तो आप लोग आ जाते हैं। उससे पहले कोई बंदा कहीं पर आके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, सरकार के खिलाफ कोई बातें करना चाहता, जब तक वो नाजायज या आपके साथ ज्यादा कर ना दे। एक ही वजह की है, वो सुते होंगे उससे पहले सारे। जनाब आतिफ साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद किया, और ये इतना अहम प्रोजेक्ट है, मैं ये समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 30-40 साल पहले इसको बनना चाहिए था। हम इसके खिलाफ नहीं, हम इसके हक में हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ज़रूरत है इस टाइम। ये लाहौर का गेट वे है, यहाँ से तमाम ट्रैफिक अफगानिस्तान तक, गुजरांवाला, गुजरात, पिंडी, जेलम पाकिस्तान और बैनुल सूबाई और बैनुल अपना जो है ना वो मालिक ट्रैफिक यहाँ से गुजर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अहम है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा, ये ऐसी बात नहीं है, मैं वो फर्द वाहिद हूँ जो पिछले तकरीबन 10 साल से इस प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोग्राम भी करवा रहा हूँ, खुद बुला के आप लोगों को, आप जैसे दोस्तों को, और मैं बाकायदा बाई रिटर्न एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और तमाम आला अहदेदारान को। और अब भी ये मनसूबा जब पीटीआई की गवर्नमेंट यहाँ से रुखसत हो चुकी तो इन्होंने जाते जाते एक जो है ना हमें धोखा दिया, पीटीआई ने धोखा ये दिया कि हम पीटीआई के साथ मिलकर ये एहतजाज करते रहे कि यहाँ पे एक फ्लाई ओवर होना चाहिए, नून लीग के दौर में। अच्छा, पीटीआई ने हमारे साथ वादा किया था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये फ्लाई ओवर तोहफा देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद पीटीआई ने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया। ठीक है, जब उनकी हुकूमत खत्म हो गई और फिर लामवाला पंजाब से भी खत्म हो गई, ठीक है, तो उन्होंने जाते जाते एक जो है ना सियासी स्टैंड के तौर पर इसको शॉर्ट करके, ये मनसूबा था रावी पुल बत्ती चौक से लेके न्याजी चौक से लेके इमामिया कॉलोनी फाटक तक, ये एक 5 किलोमीटर का कॉरिडोर एक्सप्रेस वे बनना समझ भी आता है, ठीक है, समझ भी आता है। और ये मसाइल ही असल जो है रावी पुल और ये चौक से आगे के हैं, क्योंकि जब आप चौक क्रॉस करते हैं लाहौर की तरफ या लाहौर से आप आते हैं तो रावी पुल के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन है। ठीक है, अब पीटीआई ने ये किया कि ये सिर्फ 800 मीटर का एक फ्लाई ओवर दिया है इन्होंने जो सिर्फ चौक क्रॉस करता है, ठीक है, तमाम का तमाम बर्डन जो है वो रावी पुल पर डाल दिया गया लाहौर जाते हुए। आपके कहने का मतलब, आपको इंटरप्ट करूं रोफ साहब, कि पीटीआई ये करवा गई है कि जी ये पुल छोटा सा बनना चाहिए बस यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से 800 मीटर सवाल का जवाब दे रोफ साहब, की अगर पीटीआई ने ये किया है कि जी मनसूबा यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, इस वक्त ये मनसूबा एनडीए कर रही है। मैं बताता हूँ आपको, मैंने उसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट भी गया उसके ऊपर, हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी जिस पर निगरान हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपना बुला के काबीना में डिस्कस की और रावी पुल को एक्सटेंड कर दिया। उसमें फैसला किया कि 4 लाइन रावी पुल की एक्सटेंड होगी, ठीक है, वो हमारा इस मनसूबे का हिस्सा बन गया। ये उन्होंने खुश आहिंद बात है हमारे लिए कि वो बर्डन जो था वो मामला हल हुआ। वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, एक हमें ब्रिज जो चाहिए वो इसके तवील चाहिए, 400 मीटर का नहीं चाहिए। वो अगली बात मैं करना, उसमें मैंने 3-4 जो है ना वो तजावीज दी थी, कमिश्नर सरगोधा से भी मेरी मीटिंग हुई, डीजीएलडीए से भी मीटिंग हुई, कमिश्नर लाहौर, उसके बाद जो है ना गवर्नर पंजाब इनसे, उसमें मेरी ये तजावीज थी कि इसको आप आगे लेके जाएं, पुराना मनसूबा जो है वो बहाल करें, और अगर वो मनसूबा बनता था तो पब्लिक प्रॉपर्टी उसमें एक्वायर नहीं होती थी। ठीक है, वो जैसे फिरोजपुर रोड पे है सिंगल जो है ना वो पिलर के ऊपर ऊपर से उन्होंने उस पर जनाब जो है ना कहा कि हम जो है ना इस पे कमेटी बनाते हैं, रीडिजाइन करवाते हैं। अब रीडिजाइन हो रहा है, लेकिन जब मियां शहबाज शरीफ साहब आए हैं पिछले दिनों, इमामिया कॉलोनी फाटक का पुल जो है वो नेशनल हाईवे को दे दिया, वो अलहदा एक बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो जब आए तो उन्होंने कहा जी ये मेट्रो जो है ये जाएगी काला शिकागो तक, ठीक है। अब ये नया एक मसला है, अब फिर दोबारा रीडिजाइनिंग हो रही है, टाइम पार्ट हो रहा है, इसमें हमें ये तकलीफ है। ये मैंने मास्क लगाया हुआ है, आप मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे, ये मैं इसी का शिकार हूँ। हाँ जी, ये चौक क्रॉस करेंगे तो ये जो कंट्रैक्टर है पैसे बचाने के लिए, आगे पूरी मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे जब आप चौक क्रॉस करते हैं तो पैसे बचा रहे हैं जी, बिल्कुल पानी नहीं लगा रहा ना, पानी नहीं लगा रहा। आगे अब मैं आपको लेके जाता हूँ, वो सब कुछ बीच में शामिल होता है, जहाँ पे भी कोई कंट्रैक्ट होता है वहाँ पे जो है ना बाकायदा गाड़ियाँ पानी लगाती है, पानी से बच जाते हैं, पानी का ऑडिट कोई नहीं होता। हाँ जी ठीक है,
अब आगे जरा जाएंगे तो धूल नहीं होती। पैसे बचाए जा रहे हैं हीले बहानों से कि आपके पास फलानी चीज नहीं है, आपके पास PT1 है, आपके पास इंतकाल नहीं है, ये LDA वाले आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, ठीक है ना भाई। हम बैठे हैं, हम किसी भी हाथ पे बैठे हैं। LDA चीज को रिवाइज कर सकते हैं, देखे आपके आपकी मेरी बात सुन ऐसा फिर आप बताइएगा। मेरा अपनी नख शकल के मुताबिक मैं आपको बताने लगा, आपको क्या नहीं लगता भाई साहब का वसी तजुर्बा है, रव साहब का वसी तजुर्बा है कि उनके पास एक रिवाइजेशन की एक ऑप्शन होती है स्कीम को, स्कीम को रिवाइज किया जाता है, नया बजट बनता है, नई मैपिंग होती है, ब्लू मैप बनता है, उस पर नई कंस्ट्रक्शन हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तकरीबन 40 से 45 साल 40+ मेरी एज है, ठीक है। इस ये मस्जिद के साथ जो मार्केट है जहाँ आप गली के अंदर गए हैं, ठीक है, यहाँ से लेके आगे MCB बैंक तक इस पूरी लाइन ने 20 साल पहले 25 साल पहले LDA से मुकदमा लड़ा है। अच्छा, LDA का ये कहना था कि ये जगह हमारी है, ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, ठीक है, इनकी भी यहाँ पे जगह थी। अच्छा, इन्होंने भी हमारे साथ मुकदमा लड़ा। बताएं जी क्या हुआ? ये खड़े इन्होंने भी मुकदमा लड़ा। मैं सुनता हूँ, बताएं जी क्या हुआ? मुकदमा लड़ा 20 साल हमारे हक में हुई, LDA से मुकदमा लड़ा। LDA कहता था हमारी प्रॉपर्टी है, हाँ जी, फिर हमने मुकदमा लड़ा, हमने साबित किया कि हमारी, तो फिर अभी दोबारा मुकदमा शुरू हो गया, वो नहीं ले रहे और वादी को छेड़ रहे हैं। हाँ जी, 100 साल से ज्यादा मस्जिद हो गई, ठीक है, 4 नस्लें हुई, हाँ जी, ये मस्जिद को बीच में ले रखा है। ये मस्जिद हाजी साहब कितनी पुरानी है? पाकिस्तान बनने से पहले की है, पाकिस्तान बनने से पहले की ये मस्जिद है। पूरे शाहजहां की ये बहुत मस्जिद है, जो मरकजी मस्जिद थी, ठीक है। आपने LDA को इन्फॉर्म किया कि भाईजन की तारीख के साथ है? सब कुछ आपने सब कुछ बताया, आपने ये तस्वीरें भी दी, हर चीज बताया, लेकिन वो सामने से जगह नहीं ले रहे, जो सरकारी जगह वो ले ले तो सारे मसले हल हो जाते हैं। उधर ले जाए ना, आधा प्रोजेक्ट उधर ले जाए, जितना मस्जिद की जगह लेनी उधर ले जाए, सारा कुछ सही हो जाता है। वो हम हमें तंग कर रहे हैं और सरकारी जगह को छेड़ नहीं रहे। अच्छा जी, सरकारी जगह को आपने छिड़वाना है तो LDA को कहना पड़ेगा ना आपको? हाँ जी, जाके गया आप में से किसी ने? LDA को जी बिल्कुल, मैंने कहा, मैंने रिटर्न दिया। ये 1920 और 1930 की तस्वीर है मस्जिद की, हाँ जी, 1930 अगर कैमरा मैन आपको क्लोज करके दिखाए, 1930 और 1920, ठीक है, इसको जनाब फोकस करके यार, 1930 और 1920 ये मस्जिद थी जनाब, यहाँ से तकरीबन जो है ना 100 फुट आगे। अच्छा, अभी रिसेंटली ये जो मेट्रो का मनसूबा बना था इसमें 52 मरला इसका एक्वायर कर लिया गया है, ये मस्जिद वहाँ जंगले तक जी वहाँ से इधर ले आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये कर रहे हैं कि ये इसका जो बचा खुचा जो रकबा है इसको भी इसकी आड़ में ये मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। मेरा आपने जो सवाल किया है मैंने ये रिटर्न लिख के दिया है कि आप जब लाहौर से आते हैं शाहदरा चौक से लेके अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड जो है तमाम आबादी और तमाम मार्केट लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल, ठीक है।